हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार। मैं सिद्धू। गाइस, गर्मी इतना है कि अंडों से ज़्यादा हम उबल रहे हैं, और कंटाल इतना आ रहा था कि मैं ये लुंगी पड़ा था तो पहन लिया, टी शर्ट पहनने तक के भी हिम्मत नहीं है, और लड़कियों से ज़्यादा तो साले लाइट वाले काट रहे, क्या करंट। अब देखो यार, मैं बाथरूम भी जाऊँ तो ऐसा लगा रेगिस्तान की धूपों में हग रहा हूँ, और बाहर निकल रहा हूँ तो पसीने से इतना लथपथ हूँ कि घर वालों को लग रहा है कि भाई अकेले ही अंदर अकेले मज़ा कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे कुछ, क्या करें आज। लेकिन चलो, काम भी है, धंधा भी है, पैसा भी तो आना चाहिए कहीं से। तो आज आ गया रुस्लान का ट्रेलर, आओ पहले देख ही लेते। थक गया हूँ गाइस अपनी जिंदगी से। देखो ये हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई तो जंग लड़ता है, मगर जब लड़ाई अपनी पहचान की हो, या तो वो सब कुछ हार जाता है या अपना नाम सबकी जबान पर छोड़ जाता है। वैसे तुम्हारा बिजी बेस्ट फ्रेंड कब आ रहा है? आपका बेटा आता नहीं, एंट्री मारता है। चल भाई मैं जा रहा हूँ। चल भाई चले रे। और ये भी एंट्री मारेगा तो हम क्या कर रहे हैं। तो बोले ट्रेलर है तो म्यूजिक वीडियो है। तुम्हारा फ्यूचर का प्लान्स क्या है? तू तो भाई के लड़के से शादी करूंगा, स्टार बन जाऊंगा। आई थिंक यू शुड डू एडवांस म्यूजिक कोर्सेस इन बर्कली म्यूजिक कॉलेज। फ्यूचर प्लान का तेरे भाई की बहन के। तुम सिर्फ एक एसेट हो रुस्लान, रिमेंबर दैट। सर्विसेज की लाइफ में इज्जत बहुत मिलती है, बट इट्स नॉट इजी, इट्स टू रिस्की। And to find out about that guy. जनाब, आप भूल गए हैं कि आपकी पहचान का इंसान कभी आपके मुल्क में हीरो नहीं बन सकता। फैसला लिया जा चुका है। क्या? तुम सर्विसेज नहीं ज्वाइन करोगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, you'll do what you're best at doing. और वो क्या है? Kill them. कितने लोगों की जान जाएगी। थक गया हूँ डैड अपनी पहचान छुपाते छुपाते। आप और मैं दोनों ये बात जानते हैं कि अगर ये दाग मिटाना है तो यूनिफॉर्म तो मुझे पहननी पड़ेगी, बराबर, ताकि आप और मैं दोनों सर उठा के जी सके। बराबर। रुस्लान, I like that name. सुनो चट्टी। The lion. Go in your jungle. छाती का बाल खींचे तो रो देगा। क्या था यार ट्रेलर। ओह गाइस, आप लोग को मालूम ही होगा कि जब सलमान खान ने कंटिन्यू 10 फिल्म फ्लॉप दी थी, तब उन्होंने एक वांटेड करके फिल्म लाई थी जिससे उनके लाइफ का कमबैक हो गया था। तो उसी स्टोरी का हाई बजट फिल्म ये मुझे लग रहा है, पार्ट टू। वही चलेगा, जो भी है, घर का ही फिल्म है उसमें क्या। अभी देखो, मैं बोलता बहुत कुछ लेकिन सलमान भाई के कारण चुप हूँ, बट तुम लोग भी समझ के ले लो। मुझे कैसा लगा ये ट्रेलर? मुझे ऐसा लगा कि ये ट्रेलर अच्छा है, अगर म्यूजिक वीडियो नहीं होता बीच में तो। अरे यार, तू ये सब क्यों बोल रहा है? मतलब अभी था ना, 3 मिनट के ट्रेलर के अंदर 60 सेकंड का तो सिर्फ गाने बज रहे थे, वो प्यार लव सब। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये सब चीज काफी आउटडेटेड हो गई है। पहले चलता था ये सब एक्शन बिक्शन, अब हो गया भाई। अब हम खुद नहीं देख रहे हैं। अभी 4 औरत नीचे लड़ रही थी पानी के लिए, तो मैं खुद बोल रहा था कि भाई तुम जब मार सकते हो तो झगड़ा क्यों कर रहे हो। हाँ, ना हाथापाई ही नहीं कर रहे वो लोग। हाँ, नहीं भाई, कुछ और दिख गया। बहुत देसी फाइट जब होता है ना भाई, उसमें मजा आता है। अब ये कोरियोग्राफ व्योग्राफ करके मार रहे तो हमको मालूम है भाई तुम ट्रेनिंग लिए हो, ये मजा नहीं, ये रियल नहीं है, रॉ नहीं है। बेचारे को गोटे पे मार दिया था एंडिंग में। तो ये सब चीज़ मुझे नहीं पसंद भाई, ये सब नहीं जमता। लेकिन ठीक है, अभी 4-5 पब्लिक रहेगी जिनको पसंद आता रहेगा तो वो जाएंगे देखने, क्योंकि उनको भी लगता रहेगा चलो भाई भाई के घर के आदमी है तो देखना पड़ेगा। बाकी तो आयुष शर्मा भी कोशिश कर रहे हैं,
वो भी करते ही रहेंगे जैसा हम कर रहे हैं अपने करियर में। बाकी मुश्किल तो है चलना, लेकिन ट्रेलर देखा जाए तो भाई क्वालिटी है, हाई बजट है, एक्शन है, बंदे ने बॉडी बीडी बनाई है, बॉडी तो बहुत फेमस बनाई है भाई। बाकी ठीक है, अब उसके ऊपर है भाई, उसको देखना रहेगा। फिल्म आयुष शर्मा को तो वो बना दिया तो देखे, वरना हमको क्या पूछ के मतलब है। वैसे भी ये मंथ में मूवी थोड़ा कमी आ रहा है, चल सकता है शायद? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं चल, मतलब देखा जाएगा, पब्लिक का ओपिनियन भी मैटर करता है। मैं तो यही मानता हूँ भाई, 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ, जिसका ट्रेलर अच्छा है ना उसकी फिल्म पब्लिक चुपचाप देखने जाती है, उनको रिव्यू रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है, वो जाती है देखती है चुपचाप घर आ जाती है। ट्रेलर ही 90% टिकट बुक करवा देता है, बट देखा जाएगा कि पब्लिक को मजा आएगा तो जाएगी। वैसे भी पब्लिक को वो चीज़ चाहिए रहता है जो देखने के लिए एक्साइटेड करे, जैसे कि यार कोई चीज़ रहता है ना कि भाई वो ट्रेलर का पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो सीन मुझे अच्छा लगा था, या तो फिर गाने, अगर गाने हिट हो जाए तो पब्लिक बोलती है ना कि हाँ चलना भाई वो गाना थिएटर में सुनेंगे बैठ के। तो बट इस ट्रेलर के अंदर वैसा कोई चीज़ नहीं था, बस ये था कि भाई एंडिंग का जो शॉट था जिसको स्लोमो किया है, भाई कोई मर रहा है, किसी की जान जा रही है, उसको तुम स्लोमो कर दे रहे हो यार, मतलब कितना पेनफुल मौत दे रहे हो उनको, ये सब नहीं दिखाना चाहिए ना एक्शन में, फिल्म में। वही ठीक है, अभी छोड़ो जाने दो यार, नहीं भाई कोई भागता है तुम उसको स्लोमो कर देते हो, ये सब चीज मुझे कभी नहीं पसंद आया यार, इसलिए ट्रेलर 3 मिनट का बन गया। वही ना, स्लोमो हटा देंगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाता, एल्बम हटा देते तो और 50 सेकंड खत्म हो जाता, डेढ़ को हटा देते तो बनता ही नहीं। ठीक है ना भाई, अभी मेन आदमी तो वही है ना। बाकी ओवरऑल ट्रेलर की बात किया जाए तो बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है, और ऐसे में ना सिर फट रहा है ऊपर से, हम भाई देख लिया, आप सोचते रहोगे टोपी पहन के क्यों इधर है, क्योंकि मैं कफन बांध के रिव्यू देता हूँ गाइस। मुझे रोज मैसेज आ रहे तुझे यहाँ मारूंगा, वहां मारूंगा, यहाँ मारूंगा, बट मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाता, सालों का रोज पोपट हो जाता है। तो गाइस अगर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, देखो यार तुमको अच्छा लगा तो देखो, वरना तुम्हारी माँ की बंद। बाय गाइस।